राशिदा रिजवान कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। राशिदा जी, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो धुआंधार प्रचार लगातार जारी है, लेकिन बात विपक्ष की करें तो विपक्ष कहां नजर आता है प्रचार में अगर तुलना करें, क्योंकि तस्वीरें लाखों का हुजूम जो देखने को मिल रहा है अपने आप में जो माहौल एक क्रिएट कर रही है, इससे क्या समझते हैं आप? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहूंगी कि आपने मुझे इस डिबेट में जोड़ा है। आपने पहले कहा कि 5000 औरतें मार्गदर्शन कर रही है, 5000 औरतें तो बहुत कम है। मोदी जी ने क्या सिर्फ 5000 औरतों की ही वो सुविधा प्रदान की है जिस सुविधा की आप गिनती गिना रहे हैं? ये 5000 औरतें कम है। और रही इनकी बात जो कह रहे 400 के पार, ये तो रोड शो की बात है, रोड शो की बात कर रहे हैं हम। रोड शो की बात मैं कर रही हूँ, आपने जिसमें गिनती गिनाई मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो आप कह रहे हैं कि 400 के पार, बंगाल में 200 के लिए पार कहा था इन्होंने 170, और इन्होंने मिजोरम में कहा 21 आई 1, कर्नाटक में कहा 130 आई 60, दिल्ली में कहा 45 आई 8, महाराष्ट्र में कहा 150 और आई 10, 110 आई सीटें। तो ये जुमलों की सरकार है, इनके 13 से ज्यादा ऐसे जुमले हैं जो झूठे साबित हुए हैं, और हमेशा कहीं ना कहीं रणनीति इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बनाई है। सब समाज को लेके चलते, सारे तबकों को लेके चलते, तो स्थिति इस तरह से ना आती। और रही डेवलपमेंट की बात, बनारस की डेवलपमेंट की बात, विकास की बात, मैं आपसे बताऊं, मैं उसी जौनपुर सिटी और बनारस मंडल की मैं रहने वाली हूं, मैं लखनऊ में शिफ्ट हूं, लेकिन आप ये बताइए जब से मैंने आंख खोली, मैं अपनी बात बता रही हूँ, आपकी बात तो मैं नहीं कर रही हूँ, वहां उससे पहले क्या विकास नहीं हुआ था क्या? आज वहां आज भी लोग आते हैं विदेश से, और कल भी आते थे, और प्राचीन काल से विदेश से लोग आ रहे हैं। आज कोई नई बात नहीं है कि मोदी जी वहां से खड़े हुए, चुनाव जीते हुए हैं तो वहां विदेश से लोग आना शुरू किए हैं। विदेश से तब भी आते थे, विदेश से अब भी आते हैं। और रही आप बनारस की बात, बनारस में कौन सा ऐसा स्कूल खुल गया है, कौन सा ऐसा अस्पताल खुल गया है, कौन सी ऐसी सुविधाएं जो जनहित में है, मुझे एक बता दीजिए, जो सबके लिए की है, वो सबके लिए की है। लेकिन ऐसी राशिदा जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, राशिदा जी ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। और कुछ विकास हुआ नहीं था तो हमें तो लग रहा था 2019 में कांग्रेस यहाँ पर जीत जाएगी। खैर कोई बात नहीं, 2024 के लिए आपको शुभकामनाएं।